प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की खुर्जा तहसील में एक अनोखा मामला देखने को मिला। जहां पहले नगरपालिका परिषद ने मार्च 2023 में निर्माण करने की परमिशन दे दी, तो वहीं जब निर्माण कार्य होने के बाद लैंडर पड़ने लगा तो नगरपालिका ने रुकवाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसके लिए कई बार मौके पर पुलिस भी भेजी गई, लेकिन पीड़ित ने बार बार आदेश की प्रतियां दिखाई कि वह सन 1988 से इस पर काबिज हैं और ये पूर्वजों के ज़माने से उनको विरासत में मिली है, जिसका नवीनीकरण हर प्रत्येक 30 साल के बाद उन्होंने करा लिया है और 2028 तक वह इस पर काबिज हैं। नगर पालिका के ईओ के हस्ताक्षर युक्त अप्रैल 2023 में जारी हुआ था, जिसमें साफ साफ उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके बाद नगर पालिका ने आज रविवार के दिन आदेश पारित कर रोकने के आदेश दे दिए। जबकि पीड़ित का आरोप है कि रविवार के दिन दफ्तर नहीं खुलता है, छुट्टी होती है, अवकाश रहता है, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने रोकने का आदेश दे दिया है। खबर UMS न्यूज़ खुर्जा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। क्या प्रकरण है ये? ये प्रकरण ये है कि नगर पालिका ने अप्रैल 2023 में मुझे निर्माण की परमिशन दी थी। ये मेरे परिवार पर, बड़े बूढ़ों पर 1938 से लीज चली आ रही है, जिसका हर 30 साल में नवीनीकरण होता है। मेरा नवीनीकरण वैध 28 तक के लिए, और इसी वजह से मुझे इसकी निर्माण की परमिशन मिली थी, और जिसको आज चेयरमैन साहब रोक रहे हैं और मुझसे यूँ कह रहे हैं कि आपकी 15 लाख रुपए की रसीद कटेगी और ये सुविधा शुल्क समझो, ये कुछ भी समझो, इसलिए रोक रहे हैं। पुलिस मेरे पास बार बार आके दबाव बना रही है। तो ये 15 लाख रुपए चेयरमैन साहब ने आपसे मांगे थे? हाँ, मुझसे मांगे थे रसीद कटेगी। तो अब क्या हो रहा है, लेंडर पड़ रहा है आपका? लेंडर पड़ रहा है, कभी पुलिस आ जाती है, कभी रुकवा देती है, कभी कुछ करती है। जबकि आपके पास परमिशन है? हाँ, नगर पालिका से लिखित में परमिशन है, अधिशासी अधिकारी। हाँ,